हाय डियर फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 22 जनवरी 2019। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच क्रिकेटर वाज नेम्ड आईसीसी टेस्ट ओडीआई प्लेयर एंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का क्रिकेट ऑफ द ईयर में ओडीआई प्लेयर एंड क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का वो कौन सा क्रिकेटर है जो आईसीसी टेस्ट में ये नाम कमाया? तो वह है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली इज द राइट आंसर। इंडियन स्कीपर विराट कोहली ऑन जनवरी 22, 2019 बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू विन ऑल द टॉप थ्री आईसीसी इंडिविजुअल अवार्ड इंक्लूडिंग द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, द आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर एंड द आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 2018। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ओनली क्रिकेटर बिसाइड्स कोहली टू बी नेम इन बोथ आईसीसी टेस्ट एंड ओडीआई टीम्स ऑफ द ईयर 2018? तो वह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज द राइट आंसर। द आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2018 फीचर्स थ्री प्लेयर इज फ्रॉम इंडिया एंड न्यूजीलैंड। The Indian players include in the ICC Test team including Rishabh Pant, Jasprit Bumrah and Virat Kohli. Beside Kohli, fast bowler is the Jasprit Bumrah. Okay. Next question देख लेते हैं। Which cricketer won ICC Men's Emerging Cricketers of the Year award for the year 2018? The correct option है Rishabh Pant. Rishabh Pant is the right answer. Which cricketer won ICC Men's Emerging Cricketer of the Year award for the year 2018? Next question देख लेते हैं। Which nation topped the Global Trust Index? Global Trust Index में top level पे कौन सा nation है? तो है China. ठीक है, GTI, Global Trust Index, China. China topped the Global Trust Index among both the informed public and the general population segment with score of 79 and 88 respectively. India was at the second place in the informed public category and third place in the general population category. Next question dekh lete, question number 5. India stood at which position in the Global Trust Index in the informed public category? To abhi humne dekha second place pe hai India, theek hai? तो अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इनोग्रेटेड द 15th प्रवासी भारतीय दिवस ऑन जनवरी 22, 2019 इन वाराणसी? देखिए, इसके पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि जो 15th प्रवासी भारतीय दिवस है जो मनाया वो कहाँ पर, तो वाराणसी में था। अभी इसको किसने इनोग्रेट किया था? तो वह थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनोग्रेटेड द 15th प्रवासी भारतीय दिवस ऑन जनवरी 22, 2019 इन हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इन द हिस्ट्री ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस द इवेंट इज बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाराणसी, द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7. नितिन गडकरी ऑन जनवरी 21, 2019 इनोग्रेटेड द 39 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 39वां नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो था वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2019 ऑन जनवरी 22, 2019? तो थे रामनाथ कोविंद, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑन जनवरी 22, 2019 कन्फर्म्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2019। द अवार्ड वर प्रेजेंटेड टू 26 शॉर्ट लिस्टेड अवार्डिज इंक्लूडिंग वन ज्वाइंट अवार्ड फॉर नेशनल चाइल्ड अवार्ड नाउ रिनेम एज बाल शक्ति पुरस्कार अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन स्कॉलेस्टिक स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द गवर्नमेंट ऑफ जनवरी 21, 2019 कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय विच बॉडी टू ओवरसी द ड्रग प्राइसिंग रेगमी? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग,
और फीसी, तो नीति आयोग द राइट आंसर. द गवर्नमेंट ऑफ जनवरी 21st 2009 कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय नीति आयोग टू ओवरसी द ड्रग प्राइजिंग रिजाइम. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. विच स्टेट लॉन्च द बजट ऑन जनवरी 22, 2009. कौन से स्टेट ने अपना 22 जनवरी को अपना बजट लॉन्च किया, तो वो है झारखंड. ठीक है, झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुबर दास टेबल्ड इन असेंबली एनुअल बजट फॉर द स्टेट फॉर द ईयर 2019-20 वर्थ 85,429 करोड़. 2019-20 में ये बजट दिए, 19-20 के लिए ये बजट दिए 85,429 करोड़. आउट ऑफ द रुपीज 85,429 करोड़ द गवर्नमेंट हैज सेट असाइड 65,803 करोड़ while the institutional expenditure has been pegged at ₹19,626 करोड़. ओके, तो इस तरीके से देखिए कुछ क्वेश्चंस हम जो इसका जो इसका विवरण दे रहे हैं उसके बारे में, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखिए. झारखंड का चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ से पता चल गया. फिर एक और क्वेश्चन हमने बोला कि जो हरियाणा है, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है. फिर बाद में ऐसे जे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने तुरंत सारे स्टेट का देख लेना कि कौन वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर का नाम याद कर लेना. इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी कोई बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं. जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो इससे रिलेटेड, जैसे अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो पॉइंट आते हैं कि अभी ICC जो क्रिकेट टीम है उसको नया CEO कौन बनाया गया, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने इंडिकेट कर लेना. ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया का जो ODI हुआ तो उसमें कौन से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था, इंडिया कौन विन किया, तो इंडिया विन किया. तो ऐसे क्वेश्चंस वो हमने खुद ही लिखते जाना कि ताकि हमें आइडिया मिलते जाए. सो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि डेली करंट अफेयर्स वो देख के और अपना जो डेली करंट अफेयर्स जो हैं, जो जनरल नॉलेज की बातें हैं वो उनको ध्यान में रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.